दीदी कहाँ जाता नहीं? प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी कहाँ जाता नहीं टोकरी कोदारी लेके? जाता नहीं फूल को भी रोपे। हाँ दीदी जाई रोपाई करी हमने कहा ना रोप। कहे दीदी कहे कोबी के खेती कहे न करम कहे मन हूँ बोलता नहीं। दीदी हम कोबी के खेती छोड़ देनी काहे ला खेती करी हम तो बहुत खेती कर रही पौधा छोट हो जाई फूल छोट हो जाई कीड़ा मकोड़ा लग जाई वैसे खेती हम छोड़ देनी कल पानी लग जाई सूख जाई पौधा काहे के लिए खेती करी हम। कहे दीदी काहे के कीड़ा मकोड़ा लग जात लखब केंगे खेती करत रहनी जे फूल छोट हो जात रह पानी लग जात रह केंगे करत रहनी है। दीदी सब कोई जगह खेती कर रहा है हम कर रही है रासायनिक खाद डालत रहनी है डाल के खेती कर रही है। दीदी प्रकृति विधि से खेती ना करत रहनी है। प्रकृति विधि दीदी का चीज होखेला हम तो कुछ जानते नहीं कि इका चीज होखेला। अच्छा दीदी चली हमरा संग है कैसे प्रकृति विधि से खेती होखले हम बतावत नहीं अपने के आज हम चलत नहीं रोपे चली। अच्छा दीदी हम घास रख देता नहीं चलत नहीं अपने बता दिए जे के तरह खेती होला। ठीक बा दीदी रख दी। अच्छा दीदी फूल कोबी करे के खेती करे के पहले अपन पर्चे दे दी। सभी दीदी भैया लोग के प्रणाम। हमर नाम प्रभावती देवी है राजपुर हमर घर है कल्याणपुर प्रखंड बा पूर्वी चंपारण जिला आजाद जीव का स्वयं सहायता के सदस्य बानी। अच्छा दीदी हम रोपे के पहले हम सामान बता देता नहीं जे कौन ची लागी। देख दीदी खुरपी लागी कोदारी लगी बाल्टी लगी लोटा लगी बीयो लगी। देखी दीदी केचुओ खाद लगी। हाँ दीदी केचुओ खाद लगी। हाँ केचुओ खाद लगी। देखी दीदी हम जोतवावत नी खेत चार चास। अच्छा दीदी ये जोता था चार चास। हाँ चार चार जोता था। ठीक बा चार चास जोतला से में का फायदा बा? चार चास जोतवावला से माटी हलुक होखले आ पौधाओं में के बढ़ले हवा ब्यार लगले हलुक हो जाले खेत जोतवावला से हल्का हो जाला उनके पौधा अच्छा होखे। देखी दीदी खेत जोता गेल दीदी हम जाता नहीं एक कट्ठा में केचुआ खाद 5 किलो छीटे जाता नहीं हम। ठीक है एक कट्ठा में 5 किलो केचुआ खाद हम छीटत नहीं। अच्छा दीदी 5 किलो छीटत नहीं? हाँ 5 किलो हम छीटत नहीं। ठीक बा। अच्छा दीदी एक कट्ठा में 5 किलो केचुआ खाद छीटने से उससे का फायदा होखला? केचुआ खाद छीटला से मिट्टी के शक्ति मिलले उपज ज्यादा होखले पौधा बढ़ले। दीदी अपने में रासायनिक खाद ना डाल सकता नी? रासायनिक खाद छीटला पर मिट्टी के शक्ति ना मिलले। अच्छा दीदी एमे तो केचुआ खाद डाल देनी तो एक बाद एक का करे के हुई? केचुआ खाद जे छीट देनी अब हेंगा परवा देम जे मटिया मिल जाए बराबर हो जाए। देखी दीदी हेंगा मरवावतनी हेंगवा देतनी। अच्छा दीदी ये के हेंगवावतनी मिट्टी बराबर ची करवावतनी? हाँ अच्छा ठीक। देखी दीदी हम नाला बनावतनी हेंगा पर गेल जोता गेल तब नाला बनावतनी नाला चारों तरफ बनावतनी। ठीक। अच्छा दीदी तो नाला बना देनी कितना गहराई बा कितना चौड़ाई बा नाप के बतावतनी जे कितना गहराई बा कितना चौड़ाई बा? ठीक।
देखी दीदी, नाला के गहराई 5 से 6 इंच गहरा होके के चाहिए। अच्छा दीदी, 5 से 6 इंच एकर गहराई होके के? हाँ, 5 से 6 इंच गहराई हुई। देखी दीदी, चौड़ाई 1 फीट। अच्छा दीदी, नाला के चौड़ाई 1 फीट? हाँ दीदी, नाला बनावला से का फायदा बा? नाला बनावला से बारिश के पानी जो होखले से निकल जाले, आ खेत के सिंचाई जो होखले फाजिल होखले वो निकल जाले, आ पौधा अच्छा होखले। चली दीदी, हम को भी रोप के बतावता नहीं। ठीक बा दीदी, चली बताई था कैसे रोपाता। हम रोपता नहीं, पौधा से पौधा 18 इंच पर रोपाई। देखी दीदी, लाइन के दूरी के पौधा से पौधा 18 इंच कर लंबाइयो बा 18 इंच, आ चौड़ाइयो बा 18 इंच, 18 इंच चौड़ाई पर रोपाई। फिर देखी दीदी, अगर फीता ना रही इंची टेप तो डंटो से 18 इंच के बना के रोपा जाए पौधा। एकर लंबाइयो 18 इंच, ये चौड़ाइयो 18 इंच? हाँ। देखी दीदी, अब तो रोपा गेल, अब सुबह शाम एकरा के पानी देवे के पड़ी। अब अथी लोटस से पानी दे देता नी, अब पौधा बढ़ जाए तो झरना से पानी दे सकता नी एकरा के। बाजार में तो झरना मिलेला, तो झरना से पानी देला से का फायदा बा? बोरिंग से ना पटा सकता नी? झरना से पानी देला से पौधा ठीक हो खले, आ बोरिंग से पानी देला से बहुत अधिक हो जाले, पौधा के घाटा कर सकले, आ ई खूब बढ़िया से पर जाले। अच्छा दीदी, प्रकृति विधि से खेती कैला से का लाभ हुई? प्रकृति विधि से तनी माटी खराब ना हुई, खर्च कम लगी, पौधा बढ़िया हुई, फूल बड़का हुई। फूल को भी रोपे में कौनो सावधानियों करे के पड़ी? इमें सावधानियों बरते के बा, खेत जोत के केचुआ खाद भी छीटे के बा। हाँ दीदी, लाइन के लाइन दूरी, पौधा से पौधा के दूरी 18 इंच होके के चाहिए। अच्छा दीदी, लाइन से 18 इंच दूरी होके चाहिए, पौधा से पौधा का दूरी 18 इंच होके के चाहिए। अच्छा दीदी, कौनो किसान भैया दीदी लोग के कौनो संदेशो दे? सभी दीदी भैया लोग के हमरा अनुरोध बा कि प्रकृति विधि से खेती करे, कोभी के अधिक लाभ उठाई और उससे अधिक उपजा पाई। सब दीदी भैया लोग के धन्यवाद। कोभी रोपे खातिर प्रकृति विधि से बतैनी अपने, एकरा खातिर हुआ बहुत धन्यवाद।